बॉइल्ड अंडे के साथ जैम में बहुत मजा आता खाने में, वो बड़ा अजीब होता था। वो उसमें लास्ट में बैठ के जब वो नीचे जाती थी तो बड़ा दिल मुंह में आ जाता था। आई जस्ट कांट अर्न मनी विदाउट वर्किंग हार्ड। डांस। हाय, माय नेम इज इकबाल खान, यू वॉचिंग मी ऑन टेली चस्का। पीस आउट। Let's get crazy. Yeah. Let's get crazy. Okay. Firstly, I will ask you, crazy adventure you have done or wish to do? Crazy adventure, I actually already did and I got paid for it also. I did Fear Factor a few years ago. Okay. Crazy food item you have tried? Crazy food item? मुझे बॉइल्ड अंडे के साथ जैम में बहुत मज़ा आता है खाने में। सीरियसली? या बॉइल्ड एग एंड जैम। सो आई एम नॉट टू फॉन्ड ऑफ शॉपिंग बट आई लाइक अतरंगी स्टफ, लाइक आई लाइक वियर्ड इलेक्ट्रॉनिक स्टफ एंड स्मॉल सॉर्ट क्रेजी लिटिल थिंग्स। Crazy moment on the set. We have crazy moments every day on the set. Generally the day is pretty happy and vibrant, so I just call the entire day crazy. Okay, sir. Crazy ride in your life? Ride in my life? Yeah. I think it was the first time in Delhi. There was a place called Appughar. वहाँ पे कोलंबस करके होता था, वो शिप होती थी, ऐसे जाती थी, वो बड़ा अजीब होता था। वो उसमें लास्ट में बैठ के जब वो नीचे जाती थी तो बड़ा दिल मुंह में आ जाता था। क्रेजी रूमर? आई एक्चुअली हैवंट हर्ड मैनी रूमर्स अबाउट माई सेल्फ। उधर क्रेजी किया रे। Crazy and irritated. Crazy मतलब I liked it, but also irritated. Somewhere got irritated with that also. I think it's social media. Social media. Okay. You don't like social media. It's not that I don't like. You said na, you like it also. So both, yeah. I just can't earn money without working hard. A crazy dance move that you have seen or done in your life? Dance? Yeah. I don't think so. No? No. Kuch fans ke liye kuch kehna chahenge sir? Fans ke liye yehi kehna chahunga ki ye jo daily soap hota hai aur khas kar jo lambe chalne wala hota hai, ek bada mushkil hota hai chalana. और इसमें बहुत सारे लोगों का दिमाग जाता है और बहुत सारा हार्ड वर्क जाता है। कभी कभी इंसान डीरेल हो जाता है, कभी वापस पटरी पे आ जाता है। तो इस पर काम करने वाला हर एक इंसान एक सोल्जर होता है, तो कोशिश यही लगी रहती है कि अच्छा काम हो। तो कभी भी आपको लगे कि कुछ आपके हिसाब से नहीं जा रहा है या कुछ ऐसा लगता है कि क्या ये यार ये क्या हो रहा है, तो ये समझिएगा कि वो एक छोटा सा फेज़ आ रहा है जब कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो रही हों। और फिर कभी आपको लगे कि अरे ये तो बहुत अच्छा हो रहा है, तो वो भी एक फेज ही होता है। और सेम गोज़ विद लाइफ ऑल्सो।